अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ ज्वाइन कर लें जी। तो आज मैं बना रही हूँ जी बारबेक्यू, और वो बनाएंगे एनएक्स के ओवन में, और उसका आज की वीडियो में फुल आपको मैं रिव्यू दूँगी, आपको बताऊँगी एनएक्स का ओवन उसके बारे में बताऊँगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आज की डिश जो है ना वो बारबेक्यू के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, और इसमें क्या क्या स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 स्पून के करीब योगर्ट डाला है, और उसके साथ साथ जो है जी इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, और हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर है, और इसके साथ साथ सूखे धनिए का पाउडर है, और गरम मसाला मैंने ऐड किया है, और तिक्का बोटी मसाला वो शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें सॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। और मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया है, तो अगर हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा इसका। और इसमें लेमन का हाफ जो है ना वो भी मैंने शामिल किया है, मतलब इसमें हाफ लेमन का जूस शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैं फ्रीज होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, और इसके बाद हम इसका बारबेक्यू मज़े का जो है ना वो बनाएंगे और इसको इंजॉय करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था कि मेरा जो किचन है उसमें फुल जो है ना वो सेटिंग हुई हो ये इसकी ओवन की, और चूल्हा भी इस तरह का हो जिसमें तकरीबन 6-7 चूल्हे होते हैं और उस पर आप खाना वगैरह बना रहे होते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो शादी से पहले का शौक है ये, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा ये भी पूरा हो जाएगा। आज एक्चुअली फ्राइडे है तो इस वजह से काफ़ी बिजी रूटीन होती है, तो मैं बस यही शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बना सकी हूँ। तो मैंने कहा चलें साथ साथ आप फ्रेंड्स के साथ बातें भी हो जाएंगी और साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। और आज ही मैंने ओपनिंग भी की है ओवन की, वो उसके भी मैंने शॉर्ट सी वीडियो आप फ्रेंड्स के लिए बना ली है, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूँगी, आपको बताऊँगी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि पहले मैं खुद ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताऊँगी कि एनएक्स का जो ओवन है वो बेस्ट है या फिर कोई और कंपनी का आप लें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है माशाल्लाह से। इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट्स लगे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना बारबेक्यू वो तैयार हो गया, खाने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। एक्चुअली वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, ये सारा जो है इतना इजी काम नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर रेसिपी आप कोई बना रहे हों तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं वॉश करने के लिए, और किचन भी काफ़ी बिखर जाता है, और वो बाद में तकरीबन 2-4 घंटे लगा के उसको समेटना पड़ता है। तो इसके साथ साथ काफ़ी बिजी रूटीन भी है, और आज जो है ना वो मैं ओपनिंग कर रही हूँ इसकी अपने ओवन की। एनएक्स का ओवन है, बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, और इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, रूम के साथ मैच कर जाती है। एक्चुअली मैंने ये चूल्हे के साथ लगाने वाला फ़िलहाल नहीं लिया, इंशाल्लाह फुल उसकी भी मेकिंग लूँगी, और किचन जो है उसको भी डेकोरेट करना है, लेकिन आज हम इस ओवन की ओपनिंग कर रहे हैं, और ये मैं आपके सामने इसको खोलने वाली हूँ। आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको एनएक्स का ये ओवन जो है वो कैसा लगा। मुझे एक्चुअली बेकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो शादी से पहले मैंने डायरी परचेज़ की, और उसके बाद मसाला चैनल से वीडियोस वगैरह देख देख के, रेसिपीज़ देख के मैंने रेसिपी लिखनी शुरू कर दी। मुझे इतना ज़्यादा शौक़ हुआ, हद से भी ज़्यादा। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरी मदर ने मुझे कहा कि पता नहीं कि जो हस्बैंड होंगे वो आपकी विशेस को पूरा भी करेंगे या नहीं, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मेरे इरादे पुख्ता हैं तो फिर उनको तो कोई भी नहीं हिला सकता। वो है ना एक अलामा इकबाल का क्या ही बहुत ही मज़े का शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बस इसी के पीछे पीछे जो है ना वो चल पड़ी मैं, और अल्लाह का शुक्र है, बेशुमार शुक्र है कि आज जो है ना वो यहाँ तक पहुँच गई कि अपनी जो विश है थोड़ी बहुत इंशाल्लाह से जो है वो पूरी हो रही है वक्त के साथ साथ, और इंशाल्लाह मज़ीद भी आप फ्रेंड्स की सपोर्ट होगी तो बाकी भी जो है ना वो पूरी हो जाएंगी। एक्चुअली ये जो मेरा चैनल है इस पे मैंने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट किए, हद से भी ज़्यादा, आप फ्रेंड्स की सोच है जितनी मैंने इस पे एफ़र्ट की है, और इसमें तकरीबन 400 से अबव वीडियोज़ होने जो है ना वो हो चुकी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी वीडियो जो है ना वो कोई वायरल में क्यों नहीं गई अभी तक।
मैंने बहुत एफ़र्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने एफ़र्ट की है और वीडियो जो है वायरल में नहीं जा रही। लेकिन कभी कभी हो जाता है इंसान, मतलब हम इंसान हैं, जाहिर सी बात है, कोई फरिश्ते नहीं हैं, कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि जो ना बस ऐसे ही हैं, हम बेसब्रे से इंसान हैं, थोड़े से मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं कि या अल्लाह हमने इतनी एफ़र्ट की और पता नहीं क्यों हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे कि जहां पे तमाम आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं इंसान की। और एक्चुअली रिसेंटली जो मेरी मदर की डेथ हुई, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अभी तक, मतलब वो चीज़ मेरे माइंड में है। और वो सारी ज़िंदगी, जाहिर सी बात है, माँ बाप की कमी जो है वो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। आप कितने भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिल लो, उनका इखलाक अच्छा हो, आपको बहुत प्यार दें, मोहब्बत दें, लेकिन वो बात नहीं होती है जो कि माँ बाप के प्यार की होती है। और आप मेरे चैनल का फुल विज़िट करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े मज़े की वीडियोस मिलेंगी, यहाँ पे कुकिंग भी मिलेगी आपको और शॉपिंग के व्लॉग्स भी हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है आप फ्रेंड्स के लिए। तो लाजमी विज़िट किया करें, एक ही नहीं बल्कि और भी वीडियोस वगैरह देखा करें, आपके जो है वो हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ होगा इसमें जो कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगा इंशाल्लाह। और लें जी, बारबेक्यू जो है ना वो हमारा रेडी होने ही वाला है, बातों बातों में माशाल्लाह से ये यहाँ तक पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और जब हमने इसको ट्राई किया था तो इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आया था। आप फ्रेंड्स भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। और आज का फुल व्लॉग जिसने भी वॉच किया है वो कमेंट में बताएं कि आपको सारा व्लॉग कैसा लगा। एक बार ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ऐसे घर जो मेरे रूम में बालकनी है वहाँ पे बैठी हुई और बहुत कुछ सोच रही थी, मतलब आसमान को देख रही थी और दुआएं भी मांग रही थी, और इसके साथ साथ बहुत कुछ माइंड में चल रहा था। ज़ाहिर जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं, आपके बेबीज़ हो जाते हैं, तो वो सोच जो है ना वो कहीं से कहीं चली जाती है। तो ऐसा हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भाई आपका जो है ना वो $100 का इनाम निकला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि रियली मेरा इनाम निकला है। मुझे लगा फेक बात हो रही है। तो फिर जैसे ही मुझे मज़ीद कुछ और मैसेजेस वगैरह आए, वो जिनका चैनल था उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका वाकई में जो है ना वो इनाम निकला है, तो आप अपना व्हाट्सएप का नंबर हमें सेंड करें तो हम आपको जो है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपको $100 सेंड करेंगे। और वाकई में मेरे तब $100 का जो है ना वो निकला था इनाम, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह ताला किसी भी तरीके से जब इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो बेशक हमें हमारी जो परेशानियाँ होती हैं फ्रेंड्स, हमारी जो मुश्किलात होती हैं, वो हमारी पहुँच के मुताबिक ही अल्लाह ताला हमें उतनी ही आजमाइश में डालता है जितनी कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बेशक उससे ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता। हमारा परवरदिगार बहुत ही ज़्यादा गफूर रहीम है। हम जितना भी अपने परवरदिगार से, पाक परवरदिगार से मोहब्बत करें वो कम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत जो है उसका तो क्या ही कहना है। हम जितनी भी मोहब्बत कर लें फ्रेंड्स, कम है जितनी उन्होंने हमारे लिए एफ़र्ट की है, जितनी उन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये जी एक ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है आज की वीडियो में, उसका भी रिव्यू दे रही हूँ। और कुछ फ्रेंड्स के जो हैं वो कमेंट आ रहे थे कुछ पिछली वीडियोस में कि ये ड्रेस जो है वो दिखाएं, तो इसकी जो है फुल लुक वो आप फ्रेंड्स के सामने मैंने शो कर दी है, आपको दिखा दिया है इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल वगैरह वो कैसा है। एक्चुअली ये जो ट्राउज़र है इसके नीचे जो है बॉक्सेस बने हुए हैं, और इसके नीचे नेट लगी है, और साथ बीड्स का काम हुआ है, और इसके जो बटन्स वाली शर्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बाज़ुओं का स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको पसंद आए तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है, और इसके साथ साथ आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।